दोस्तों, कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं है, बल्कि ये हमारी आस्था का केंद्र है। ये हिंदू धर्म में, ये जैन धर्म में, ये बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा धार्मिक संगम है। दोस्तों, आज तक कैलाश पर्वत की चोटी पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। नासा की टीम ने भी कैलाश पर्वत पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर देखा, उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजे, उन्होंने स्पेसक्राफ्ट तक को इस्तेमाल किया, लेकिन जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। और कैलाश पर्वत के रहस्य हमारे लिए एक रहस्य ही बने हुए हैं। ये कोई नहीं बता सकता कि कैलाश पर्वत पर आखिर है क्या। आज तक कोई ड्रोन या हेलीकॉप्टर भी इस पर्वत के ऊपर से उड़ान नहीं भर पाया है, लेकिन नासा की टीम ने कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो हैरान ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने भी भगवान शिव के इस घर के सामने सिर झुका लिया। तो ऐसा क्या देख लिया नासा ने जिसने उसके होश उड़ा कर रख दिए? जो नासा चांद तक फतेह कर चुका है, आखिर वो कैलाश पर्वत के रहस्यों से क्यों घबराता है? आइए जानते हैं कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में। हिमालय के सबसे ऊंचे शिखरों में से एक है कैलाश पर्वत, जो पूरी दुनिया में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है। इस पर्वत पर चढ़ाई करना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है इसके बारे में, इसके रहस्यों का पता लगाना। जो भी पर्वत की चढ़ाई करने गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आता आखिर उसके साथ वहां पर क्या हुआ था। इस पर्वत की चोटी पर एक रहस्यमय चमक देखी गई है, जिसे आज हम वैज्ञानिकों की नजर से देखने की कोशिश करते हैं। ये रहस्य है भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत का। वही कैलाश पर्वत है जो हिमालय की सबसे पवित्र चोटियों में एक माना जाता है। ये भारत और तिब्बत की सीमा क्षेत्र में मौजूद है और इसे खास तौर पर हिंदू धर्म के लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। इसे शिव पुराण में देव दर्शन के अति उपयुक्त स्थानों में से एक माना गया है। इस पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर यानी 21728 फीट है। इस पर चढ़ाई करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हाँ बहुत कम लोग हैं इस पर चढ़ाई कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ चढ़ाई करने के बाद व्यक्ति को दिशा भ्रम हो जाता है। व्यक्ति को कोई दिशा का ज्ञान ही नहीं रहता, उन्हें दिशा एक दूसरे से मिली हुई नजर आती है, उन्हें ना तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी का ज्ञान नहीं रहता। ऐसे में बिना दिशा के उन्हें चढ़ाई करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। चाइना ने एक बार कोशिश की थी, उन्होंने कुछ बाहर के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और पर्वतारोही को बुलाया। एक रशियन वैज्ञानिक ने कैलाश पर्वत को लेकर कुछ कहा है कि ये कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये एक पिरामिड है जो कि अति विशाल पिरामिड है, सुपर नेचुरल शक्तियों से बनाया गया है। इस बात को लगभग सभी लोग सच मानते हैं, क्योंकि यह आम पर्वत की तरह त्रिकोणा न होकर चौकोर है, क्योंकि इसे किसी भी तरफ ढलान नहीं है, जिसकी चार मुख चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। कई पुराणों में इसे सृष्टि का केंद्र भी कहा गया है। पुराणों में तो ये भी कहा गया है कि इसका हर एक मुख वेश कीमती धातुओं जैसे सोना, रूबी, क्रिस्टल, लार्जली और चांदी का बना हुआ है। नासा भी कैलाश पर्वत के रहस्य का पता काफी समय से लगाने में लगा हुआ था। नासा के वैज्ञानिकों की एक टीम को कैलाश पर्वत के रहस्यों का पता लगाने के लिए कहा गया। फिर टीम ने जो खोज की उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उनका कहना था कि उन्होंने कई अनोखी और अद्भुत चीजें देखी जिन्हें समझना बेहद मुश्किल है। उनका कहना है कैलाश पर्वत के ऊपरी भाग में अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं के निशान दिखाई देते हैं, उसमें जलती हुई रोशनी दिखाई देती है जो हमारी वैज्ञानिक सोच से बहुत ज्यादा परे है। उन्होंने ये भी देखा कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश का क्षेत्र मौजूद है, जिसकी वजह से यह अजीब तरह की गतिविधियां दिखाई देती हैं। यहाँ पर रंग बिरंगे नजारे आसमान में देखने को मिलते हैं। एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी यानी दुनिया की नाभि, जिसे आपके और हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपकी नाभि होता है, जहां से जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसे पूरे शरीर का पोषण यहीं से मिलता है। इसी तरह से कैलाश पर्वत को हमारे इस सृष्टि का एक्सिस मुंडी कहा गया है, या फिर इसे आकाश ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव केंद्र कहा गया है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां दशों दिशाएं मिलती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो जगह है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। नासा की टीम ने जांच के दौरान कैलाश पर्वत पर कुछ अद्भुत चीजें देखी हैं।
पहले तो उन्हें वहां अद्भुत और अनोखे रंग के पत्थर दिखे जो अन्य सामान्य पत्थरों से अलग थे। इन पत्थरों की अलग ही विशेषता थी। टीम ने कई धातुओं की खानों का पता लगाया जिन्हें यहां से प्राप्त किया जा सकता है। ये धातु सामान्य धातुओं से बहुत ज्यादा अलग है। यहां पर दो महत्वपूर्ण सरोवर भी मौजूद हैं। पहला मान सरोवर जो दुनिया की शुद्धतम पानी की उच्चतम झीलों में से एक है। इतनी ऊंचाई पर पहले तो झील का होना ही अपने आप में एक रहस्य है। दूसरा, उसका पानी दुनिया के सबसे शुद्धतम पानी में गिना जाता है जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा है राक्षस नामक झील, राक्षस ताल, जो कि दुनिया के खारे पानी की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। इतनी ऊंचाई पर और वो भी खारे पानी की झील, यह अपने आप में ही एक रहस्य है। जबकि दोनों झीलें बहुत ही आसपास हैं, एक में इतना खारापन और एक के पानी में इतनी शुद्धता, ये विज्ञान को और वैज्ञानिकों को दोनों को ही अचंभित करती है। यानी सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले खारे पानी की झील जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं, जिसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्रबल को प्रदर्शित करती हैं। इसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है, और जैसे हमारे दिन और रात से है। जब दक्षिण से देखें तो इस पर्वत पर एक स्वास्तिक चिन्ह भी नजर आता है। ये भी अभी रहस्य है कि झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या इन्हें किसी ने बनाया है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से चार नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, करनाली। इन नदियों से गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कहते हैं कि कैलाश के चारों दिशाओं में भिन्न भिन्न जानवर के मुख हैं, इसमें से नदियां निकलती हैं। पूर्व में अश्व यानी घोड़े का मुख है, पश्चिम में हाथी मुख है, उत्तर में सिंह द्वार है। एक्सिस मुंड यानी दुनिया की नाभि या फिर आकाश ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां दसों दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो जगह है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। नासा की टीम ने जांच के दौरान कैलाश पर्वत पर कुछ अद्भुत चीजें देखी। पहले तो उन्होंने वहां अद्भुत और अनोखे रंग के पत्थर देखे जो अन्य सामान्य पत्थरों से अलग थे, और इन पत्थरों की अलग ही विशेषता थी। टीम ने कई धातुओं की खानों का पता लगाया जिन्हें यहां से प्राप्त किया जा सकता है। ये धातु सामान्य धातुओं से अलग है। पूर्व में अश्व यानी घोड़े का मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह और दक्षिण में मोर मुख है। कई बार कैलाश पर्वत पर सात तरह की रोशनी देखी गई है, यानी सात रंग की रोशनी देखी गई है, जिस पर नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है यहां के चुंबकीय बल के कारण ऐसा हुआ हो। लेकिन कई बार चुंबकीय बल आसमान से मिलकर ऐसी चीजों का निर्माण कर सकता है, लेकिन वैज्ञानिक इसको सही तौर पर प्रमाणित नहीं कर सकते, इसलिए वैज्ञानिक सिर्फ अनुमान लगाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते कि 1965 तक कैलाश पर्वत भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ तो चीन ने इस पर अपना कब्जा कर लिया और तब से आज तक चीन यहां पर चढ़ाई में नाकामयाब कोशिशें कर रहा है। 1980 में चीन ने इटली के एक पर्वतारोही से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए गुजारिश की थी, कैलाश पर्वत को फतेह करने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर्वतारोही ने कैलाश पर्वत पर कदम रखने से मना कर दिया। तब चीन ने रूस के एक पर्वतारोही से ये बात कही। रूस का पर्वतारोही अपनी एक टीम को लेकर कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर निकला, लेकिन जैसे ही टीम आगे बढ़ी उसके सिर में दर्द शुरू हो गया। पैरों ने जवाब दे दिया, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो समझ गया कि आगे बढ़ना उसके बस का नहीं है। उसके नाखून तेजी से बढ़ने लगे, उसके बालों में सफेदी आ गई और उसने पीछे हटना ही सही समझा। नीचे आते ही उन्हें अच्छा फील हुआ। ऐसा एक अन्य कैलाश पर्वतारोही ने भी यहां चढ़ाई शुरू की थी, लेकिन जब जब वो आगे बढ़ता तब बर्फबारी शुरू हो जाती और हर बार उन्हें बेस कैंप लौटना पड़ता। आखिरकार चीन ने भी कैलाश पर जाने की अपनी जिद छोड़ दी। रूस पर्वतारोही का कहना है कि कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि वहां आज भी अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं और वहां की रक्षा करती हैं। कैलाश एक पिरामिड की तरह है और ये दिशा बताने वाले कंपास की तरह काम करता है। इसके निर्माण को लेकर अन्य मान्यताएं हैं, कहावतें हैं। ये कहा जाता है कि यहाँ 10 करोड़ साल पहले समुद्र हुआ करता था। भारतीय महाद्वीप का रशिया महाद्वीप से टकराने के बाद ये हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, समुद्र गायब हो गए और यहाँ पर्वत बन गए। कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए नासा ने यहाँ 2015-16 में यहाँ पर सैटेलाइट सेट की और यहाँ की जांच शुरू की। नासा के सैटेलाइट से लिए गए पिक्चर एनिमेशन में भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाई दिए, ऐसी छवि दिख रही थी और उसे देखकर नासा के वैज्ञानिक हैरान रह गए।
और उनसे ये बात साफ हो जाती है कि भगवान शिव वास्तव में कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। शायद इसी वजह से कोई भी आज तक कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। आपको क्या लगता है, क्या है कैलाश पर्वत के रहस्य? क्या सच में ये भगवान शिव का घर है, या फिर ये कोई ऐसी अलौकिक शक्ति का घर है जो किसी को भी इस पर चढ़ने की इजाजत नहीं देती? आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।